सर, गहरे समुद्र में किस प्रकार के जानवर रहते होंगे, आपको उसका अंदाजा है? सर अंदाजा तो नहीं है, इसी यहाँ पर इसी मंच से इसी वीडियो के माध्यम से आपने एक दफे मेरे को दिखाया था और सर वो देखा था, लेकिन वो क्या एक फोटोग्राफी की थी वो, शायद आपके साथ मैं भी उस वक्त था वाली वीडियो में फोटोग्राफी के से ही देखा है मैंने, तो वीडियोग्राफी आज तक देखी नहीं मैंने। गहराई में जो रहने वाला जानवर है सर उसका तो मुझे पता नहीं, जो ऊपरी ऊपरी जो रहती है मछली उसका ही मालूम है मुझे तो बस। ठीक है सर, आज हम आपको ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जो जापान के तट से आई है और उसमें समुद्र में जो गहरे जीव पाए जाते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसकी वीडियो बनाई गई है। क्या बात है, और यहाँ पर बिल्कुल अजब गजब जो जानवर है जो समुद्र की गहराई में रहते हैं वो आपको नजर आने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। क्या बात है सर, तो आप इस वीडियो को देखिए सर, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मेरे को तो मजा आ जाएगा वाकई में भी यार, क्योंकि वीडियोग्राफी की से देखेंगे अपन समंदर के गहराई में जो जानवर रहते हैं, मैं तो अपने आप को खुशनसीब मान लिया और देखने का वीडियो कम से कम वीडियो के माध्यम से देखने का मौका लगेगा कि समंदर का निचली तले में कौन कौन से जानवर रहते हैं। सर जो ऊपर मछली दिखती है उन्हीं के बारे में मुझे जानकारी थी, आज गहराई वाली जो जानकारी मिलने वाली मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। सर मैं ये धरती पर रहता हूँ और अभी तक मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, लेकिन जब जब भी मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ पे आके और नई नई चीजें देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इससे बड़ा शौक भागे ही नहीं होगा बाबू भाई अपना। हाँ। तो बहुत बड़ा है समंदर। अच्छा है जापान के तट से बताई जा रही चीजें। अच्छा टोक्यो के आसपास है क्या? अच्छा भी है। ये क्या चीज है यार, इसे लोटा 2003 में मिला था ये। कौन है बंदा? ओ हो हो मजा भी यार, ऊपर कैसा चल रहा है, ऊपर चढ़ गया है तो यार नकली भी है क्या यार? ऐसी रही है यार, अजीब जानवर है यार। ओबे ओबे क्या कर रहा है, इतने बड़े बड़े हैं यार इसका पर कांटे जैसे कुछ है क्या? हाँ कांटे जैसे, हाँ कुछ ऐसा लग रहा है, मकड़ी दिख रही है मुझे तो। क्या समंदरी मकड़ी? हाँ पीछे सुकड़ भी लेता है ये पूरी एक्सरी का, पीछे से लंबा देखो ये है खतरा मुझे हो जाए नहीं जो कुत्ता काम जाए। हाँ अपने आप को बचाओ के। हाँ शायद पैर कंटिन्यू चलाना पड़ते हैं क्या इसे? जरा सा भी रुक रहा है। हाँ दुखते शरीर भी है क्योंकि पन्नी है उसके। क्या बाबू भाई? हाँ पन्नी है सही। ओह खोल लिया उनने यहाँ आया हूँ कच्चा दे दो। ग्यारह से 31 किलोमीटर की गहराई में। ओरो बाप रे इतनी तले में है यार। अबे तो बिल्कुल तल में आ गया बे। हो बे पा कब पर चला रही है बे? ओ हो क्यों? हाँ यार इतनी नीचे से ऊपर जा रही है यार। इसके हाथ का पैर का पर का कुछ पल्ले नहीं लेने पड़े हैं। यूं इंसानों से लेके चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं इंसान। हाँ यार ये भी देख रहे हो
नाव चलाने का चप्पू रहता है कि नहीं, ऐसा हाथ हो रहा उसके हाँ। क्या हुए? वो पीछे कांटे सिर के कितने लंबे हैं यार। हाँ यार, बिल्कुल अलग हटके जानवर है यार। तो यार हाथ पे पास में आने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेड़ की पत्ती। हाँ देख लो, देख 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 लो ऊपर हिस्सा बाबू भाई, थोड़ा थोड़ा मेरे को मेंढक जैसा लग रहा है। दिखने में लग जानवर नजुक रहा है मतलब, पर बहुत खतरनाक होगा मेरे हिसाब से। देखो इतनी गहराई के अंदर रहने का क्या। बाबू भाई ये अगर ऊपर आ जाए ना तो इंसान को ऐसे भी तल के खा जाए। घोष्ट स्वर्ग, ओहो 2-3 में मिली थी। ओहो आ गई भी, आ गई रे, खतरनाक वाली है। लंबा मुंह दिख रहा है इसका, क्योंकि उसके मुंह से लग रही है। हाँ हाँ मशीन के बिल्कुल पास से गुजर रही है यार। हाँ ऐसी चल रही है, ऐसी जैसे कितनी लहरा रही सार के यार। देख लिया कोई बहुत लंबी इसकी सार्क की। पहले जो मैंने सार्क देखी थी ये कुछ अलग अटके उससे क्या। हाँ मेरे भी इस टाइप की सार्क पहली बार देखी है। मेरे को ऐसी लग रही है ये लेरा के ना बल खा के चल रही है तो। समंदर में ऐसे एक हम दादा और अपने को पता ही नहीं है ये। हाँ ये तो पता ही नहीं अपने को। सही वो मशीन के बहुत करीब आ गई। डरती नहीं है वो, तो सीधा हमला करती है क्या। हाँ खतरनाक तो रहती है वो। फलोटा ये कौन सा है फलोटा भैया? 1997 चमक रहा है, लाइट लगी क्या? चमक क्या रही है, ऐसा लग रहा है कांच है इसके क्या इट साइड में? हाँ सीरीज लगी क्या इसके? अबे तो क्या है तू, इसको दिल गुर्दे आज उम्र जो यूं यूं ले रहा है यूं यूं करके यार क्या है यार ये। एक कंबर 2010 में मिली थी भैया ये। अबे ओ अबे ये कौन सा जानवर है? हां यार देखी नहीं लो कांटे हो रहा है इसके तो। अबे कांटे यार, अबे ये नहीं मालूम उसका मुंह कहां है। हां दिख नहीं रहा, मुंडी पर ने हाथ पैर ने पूंछ ऊंच कुछ भी दिख रहा है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत से जहरीले भी रहते होंगे भैया, जैसे मैं ख्याल है मेरे हिसाब से सभी जहरीले हैं बाबू भाई। हमारे देखने में कितना खतरनाक लग रहे थे वो बाबू भाई। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक मछली ऐसी आती है कि करंट का झटका मारती है क्या यार? हाँ काले कलर का क्या है भाई? बाप रे बाप, जितनी भी चीजें देखी सब नीचे ही देखी अपन ने। हाँ अबे वीडियो गहरे की नहीं दिख रहा, कितनी गहरे के अंदर है यार। देख तो सही ये भी अलग हटके यार, कुछ पता ही नहीं चल रहा यार किस टाइप का जानवर है ये। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पौधा हो नहीं है। हाँ वो उड़िया हो तिरिया हो पानी में तिरिया हो पर क्या, बहुत ही अलग हटके यार ये भी। खाना कैसे खाता होगा यार ये बाबू? अब यार इसका राज तो फिर वो जिसने इसको बनाया वही जाने केले के भैया क्योंकि
क्योंकि जो चीज तो हम जोगा भी देने वाला वही है। सही है। टोपी लगी है, टोपी। अब टोपी ये के क्या है, ये तो मर्जी की जाने। यार वो आपने देखा ही नहीं, वो मशरूम। हाँ शरीर को मशरूम पानी है ये। अबे ये तो मैं खा चुका हूँ ना भैया। अब यार ये कुछ अलग नहीं दिख रही है। और नहीं रहा वैसे वैसे ही है यार। अच्छा गुफा बना रखी भैया। वो पानी के अंदर, वो भी पानी के अंदर गुफा बनी भैया। मुझे तो लगता है कि शिकारी यहीं से हमला करता होगा। वो क्या सही है, बहुत खतरनाक हो रहा है। तो देखो कैसा लेटे रहता हूँ। देखो कैसी एक्टिंग करी है, जैसे मर गया और बची बची शिकार करने के लिए बेटा अंदर तक क्या क्या। ये तो मैं भी खा चुका हूँ झींगा एरिया। पहली बार जिंदा झींगा देख रहे हो भैया, कैसा रहता है ये? हाँ यार स्वाद में तो लाजवाब था। बात तो है यार, देखने में कांटे उसके खतरनाक लग रहे, पर उसको अपन खा चुके हैं। लेकिन ये उससे थोड़ा अलग दिख रहा है। हाँ हाँ ये इसके कांटे हैंगे ज्यादा। सही है, पूंछ भी दिख रही है मेरे को तो इसकी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये क्या खाता होगा भाई। सुन अगर वो ये भी कुछ ना कुछ तो खाते होगा, कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ तो होगा। सबकी गिजा मालिक ने पहले ये खाना, तू ये खाना, तू ये खाना। शायद ये हरकतें कम करता होगा क्या? हाँ। एक जगह बैठे रहता है बिल्कुल। हाँ। देखो ना एक जगह बैठा हुआ है। वो छुपकली वाली मछली, ये कौन सी? बहुत डरावने लग रही है। पानी में चोटी भी है क्या? हाँ तल में बैठी बैठी है तो यार बहुत अलग हटके मछली है तो यार। बाप रे बाप। ये देखो बहुत अलग हटके यार ये तो। ऊपर के ऊपर मछली इसकी आंखें, इसे लाइट लगी हुई आंखों में। अरे ये देखो चिपकली, मुंह भी बहुत बड़ा दिख रहा है उसका मेरा। शायद छिपकली वाली मछली इसलिए नाम रखा है कि छिपकली दीवार पर चलती है और ये जमीन पर चल रही है। हाँ सही है। अब ये देखते हैं क्या है। ओ बाप रे निकल यार भैया। अरे आने तो वही। ओबे ये क्या है? ओबे क्या? अबे झाड़ा पूरा का पूरा क्या? पौधा लग रहा है मेरे को तो। सिमैया लटक रही है क्या? देखो ऐसी रे भैया, देखो सिमैया नहीं है भैया यार, वो देख लो। ये कोई ना कुछ जानवर तो है यार। वो तो मैं भी जानता हूँ बाबू भाई, मैंने तो मजाक में बोला सिवई ये नहीं। ने लंबे लंबे काटे हैं यार उसके। ओह 1998
घेरे भी है, एक्सेप्ट चीजें हैं समंदर में भी बस है। ये कि इनको देखने के लिए अपनी आंखें नहीं है, आंखें तो है पर खोजी नहीं हुई मैंने वीडियो देखी थी बारह ट्रेन की, उसमें कितनी घेरे में गए थे, पता नहीं क्या कहनी है। लाजवाब चीजें हैं, तले में वाकई में भी समंदर में। काटेदार जो तो सही कह रहा हूँ, क्या खतरनाक है यार। हाँ यार बाकी मैं वीडियो देखी, देखने के बाद मेरे पास तो है शक भी नहीं कि मैं क्या बोलूँ, देखते ही मेरा दिमाग को खराब हो गया। मैं तो जब भी ऐसे ऐसे जीव देखता हूँ नी तो मैं कहना तो शब्द कम पड़ जाते हैं, कि कुदरत की मानता की शब्द नहीं रहते हैं कि कितनी बड़ाई करूँ कुदरत की। ऐसे ऐसे जीव देख लिए मैंने सर, जो समंदर की घेराई के जो जानवर देखे हैं मैंने, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि मेरे घर में परिवार में किसने भी नहीं देखे होंगे, मेरे को यहाँ बैठने स्टेज के माध्यम से देखने को मिले। हाँ इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी है ही नहीं साहब। ये समंदर की वीडियो हमने देखी, समंदर का गाना ऐसे ही याद आ रहा, ऐसे ही याद आ रहा कि मन हो रहा कि जितने तो ओहो रे चाल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना हो रे चाल मिले नदी के जल में, नदी जल ना कोई ता।